महात्मा को मानेंगे पर महात्मा की नहीं मानेंगे, साधु को मानेंगे पर साधु की नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि साधु को मानना तुम्हारे संस्कार हो सकते हैं पर साधु की मानना तुम्हारी श्रद्धा का विषय होगा। बिना श्रद्धा के आप संत की बात नहीं मान सकते, शास्त्र की बात नहीं मान सकते। ये अपने आप में बहुत गौर करने की बात है। हमारे पिताजी हमारे दादाजी बहुत महान थे, उनका फोटो हमारे घर की दीवार पर लटका है और पुरानी सी प्लास्टिक के फूलों की माला है, धूल झाड़ने में वर्ष भर लग जाता है हमको। परंतु तुम्हारे पिताजी के महान होने से तुमको क्या, आपके पिताजी के महान होने से आपका कोई हित नहीं होगा, आपके गुरु के महान होने से भी आपका कोई हित नहीं होगा। हमारा अपना हित होगा जब हमारे जीवन में महत्ता आएगी, जब हमारे जीवन में वो पवित्रता आएगी, जब हम अपने अपने जीवन को पावन बना पाएंगे। वो विद्वान थे तो ठीक है, पर तुम क्या? वो दानी थे, उदार थे, धर्मात्मा थे, सत्संगी थे, सदाचारी थे, पर तुमको क्या? उनके उनके सत्कर्म उनके साथ गए। बाबा अपने जीवन को धन्य बनाना है तो अपने आप को भी अच्छाइयों की ओर ले जाना ही होगा। अरे अच्छाइयों की ओर नहीं ले गए तो फिर पिताजी बड़े, जाति बड़ी, कुल बड़ा, ये किसी काम का नहीं। कई लोग बड़ा गौरव के साथ कहते हैं मेरे गुरुदेव बहुत महान है महाराज, उनके जैसा कोई है नहीं। भैया वो बड़े हैं बहुत अच्छा है, पर तुमको भी तो कुछ बड़ा होना होगा ना। सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है और तुमने संकेत देखो कितना गहरा संकेत सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। वरियानेश ते प्रश्नः अकृतो लोक हितो नृप। ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे हित से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ बहुत उत्तम है, परंतु इस प्रश्न का संबंध मात्र तुम्हारे हित से नहीं अपितु लोक हित से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे इस प्रश्न का परिणाम होगा, राजन तुम तो इस पवित्र प्रश्न के परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्तर से कृतार्थ हो गए ही हो गए, पर लोक हित कैसे? बोले अनंत काल तक असंख्य असंख्य प्राणी इस पवित्र उत्तर रूप कथा को सुन करके आत्म कल्याण का वरण करेंगे, आत्मोद्धार प्राप्त करेंगे, इसलिए लोक हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है। राजन तुमको यही तो चिंता है कि मेरे पास केवल 7 दिन का समय है, तुम इसको समस्या माने बैठे हो, तुम चिंता में डूबे हो कि केवल अब मेरे पास मुट्ठी में 7 दिन बचे हैं, अब क्या होगा, समय बहुत कम है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये चिंता तुमको खाए जाती है। और सुखदेव जी महाराज कहते राजन प्रसन्न हो जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम निर्भ्रांत असंदिग्ध ये मन में ठान लो, किसी ऋषि के पुत्र का वचन है कि तुम 7 दिन से पहले मरने वाले नहीं हो और तुम अकेले हो धरती पर जिसको किसी महात्मा ने कहा है कि 7वें दिन मरोगे, 6 दिन में नहीं मरोगे। अभी तक धरती पर कोई ऐसा नहीं आया जो दावा करे कि मैं 6 दिन तक रहूंगा 7वें दिन मरूंगा। राजन मुस्कराओ क्योंकि तुम 7 दिन से पहले मरने वाले नहीं हो, इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मेरी मृत्यु तब होगी। अरे खटवांग नाम के राजा को पता चला कि एकमात्र मुहूर्त मेरा जीवन है। ज्ञाता यत्ता मिहायुषः और मुहूर्त मात्र मुत्सृज्य गतवान अभयं हरिं। खटवांग नाम के एक राजा को अपने जीवन के विषय में ज्ञात हुआ, उस राजा ने एक ही मुहूर्त में संसार से संबंध विच्छेद किया और भगवान को प्राप्त हो गए, उन्होंने भगवान को पा लिया। राजन संसार में जहां कहीं भी तुम्हारी दृष्टि जाती है, और ये केवल श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से नहीं कह रहे, परीक्षित को संबोधित तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न परीक्षित का है, परंतु इस बात को सब महात्मा सुन रहे हैं और आप सब भी उस विषय से
अछूते नहीं है, ये बात आपसे कही जा रही है। इस संसार में जहां कहीं भी आपकी दृष्टि जाती है वहां सब आपको भगवान का दर्शन होना चाहिए। एक बात तो निश्चित रूप से मन में ठान लो, जैसे मिट्टी के बिना मिट्टी के पात्र नहीं बन सकते, इस धरती पर जितने भी कुल्हड़ सकोरा घट माने घड़े सुराही आदि हैं, उन सबके अंदर मिट्टी समाई हुई है। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी के बिना कुल्हड़ सकोरा नहीं बन सकता, मिट्टी के बिना सुराही नहीं बन सकती। तो दुनिया में जहां जहां तक मिट्टी के बने पात्र हैं महाराज, उन पात्रों को देखो तो समझ लेना कि मृत्तिकैव, ये मृत्तिका ही है। घट ये नाम और घट ये आकार, नाम और रूप काल्पनिक है, ये आरोपित है, पर वास्तव में इसका मूल आधार अधिष्ठान तो मृत्तिका है। वैसे ही जैसे मिट्टी के बिना मिट्टी के पात्र नहीं बन सकते, स्वर्ण के बिना स्वर्ण के अलंकार नहीं बन सकते, ठीक वैसे ही ब्रह्म के आश्रय के बिना, अधिष्ठान के बिना ये जगत प्रतिभाषित नहीं हो सकता। जहां कहीं भी आपकी दृष्टि जाए, जहां कहीं भी आपका मन जाए, जहां कहीं भी आपकी चेतना कुछ अनुभव करे, समझ लेना सब ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। यदि आप भक्ति मार्ग की पद्धति से चिंतन करते हैं तो सब कुछ भगवान है। अभी एक ही मिनट में पूरा का पूरा निर्धारण कर दें, यदि आपको रामचरितमानस से प्रेम है, आप भगवती जनक नंदिनी जानकी माँ सीता और भगवान राघवेंद्र को मानते हैं, तो एक मंत्र आपके लिए है, सी राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस एक चौपाई रूपात्मक जीवन जीने के मंत्र ने आपको स्थापित कर दिया है। एक ऐसी धारणा के साथ में आपको संसार में जहां स्त्रीत्व का दर्शन हो वहां भगवती जनक नंदिनी जानकी माँ सीता है, और जहां पुरुषत्व की झलक दिखे वो राम है। वो चाहे पशुओं में हो, पक्षियों में हो, लताओं में हो, वृक्षों में हो, उद्भिज में हो, अंडज में हो, स्वेदज में हो, जरायुज में हो, जहां स्त्रीत्व दिखे वहां सीता जी का दर्शन कर लेना, और जहां पुरुषत्व दिखे वहां राम जी का दर्शन कर लेना, और समग्र प्रपंच को सी राम में मान करके प्रणाम कर लेना, आपकी भक्ति हो गई, आपके जीवन की कृतकृत्यता हो गई। परंतु ये केवल अभिनय के लिए नहीं करना, ये करना माने सर्वदा के लिए करना।